किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं, मोदी जी बोल रहे हैं। कुछ कोई दुगनी नहीं, उसको लाइन में खड़ा होना पड़ता है, 3 दिन की छुट्टी करनी पड़ती है, 3 दिन की दिहाड़ी छोड़नी पड़ती है उसको। तो उसका कहाँ हो गया? कहने के लिए तो वो 2 करोड़ रोजगार भी दे रहे थे और 15 लाख खाते में दे रहे थे, कहाँ है? मोदी जी झूठ बोलते हैं क्या भाई? कह के मुकरने वाला क्या कहेंगे, झूठ कहेंगे सच कहेंगे? एक आप ही बताइए, बता पूरी दिल्ली बेच दी, पूरी रेल बेच दी, अरे ये हमारा पब्लिक कहाँ जाएंगे? जो 15 रुपए की टिकट थी 30 रुपए की टिकट हो रही है। 12 लाख का सूट, 12 लाख का सूट, बोले झूठ पर झूठ, ये सही बात है कि नहीं? आप बोलिए, देश का राजा है, पहले तो अपने आप को फकीर फकीर क्यों कहते हैं? आ जाइए, वो भी भक्त हैं, भक्त है, भक्त भाग जाएंगे, भक्त नहीं सुनेंगे। इनके भक्त हैं, आओ का मोदी भक्त। सर महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं है? सर महंगाई बेरोजगारी कब नहीं थी? कब नहीं थी? कब नहीं थी आप बताइए? नहीं, आज के 70 साल पहले, 60 साल पहले, 50 साल पहले महंगाई बेरोजगारी नहीं थी? लेकिन आंकड़ा देखते ना सर, आंकड़ा डेवलपमेंट भी तो देखो आप। क्या डेवलपमेंट है बताइए? आपने बोला ना राम मंदिर, छोटी चीज है, आज अबू धाबी में मंदिर बन रहा है, छोटी चीज है, आज तक क्यों नहीं बना? डेवलपमेंट तो आप आंकड़ा से ही तुलना करिएगा ना। तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? कांग्रेस के सरकार में 12.5% थी, अभी 3.5% पे आ गई है। तो जब देखो डेवलपमेंट होगा तो महंगाई बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। डेवलपमेंट का ही आंकड़ा बता रहे हैं। वंदे भारत जैसी ट्रेन देखी थी आज तक इंडिया ने कभी? जो की भैंस के टकराने से देखी थी, जो की भैंस के टकराने से टूट गया। क्या वंदे भारत ट्रेन ऐसे टूट गया? कहने से टूट जाता है, ऐसा नहीं होता। उसमें सर गरीब तो सफर नहीं कर सकता, क्यों नहीं भारत में? क्या हम लोग सफर नहीं कर सकते? हम लोग तो स्लीपर में से मतलब सफर नहीं कर पाते इतनी। क्या कहना है कि नहीं, एक मिनट सर, मोदी जी ने कहा 80 करोड़ लोगों को अनाज देंगे, इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीब हैं? 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, बाकी लोग अपने आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपना। 80 करोड़ लोग गरीब हैं ना, आधा पॉपुलेशन से ज्यादा इंडिया का। नहीं गरीब नहीं है यार, फिर ऐसा नहीं है कि 80 करोड़ गरीब है। अनाज की जिसके पास खाने को नहीं है ना, राशन कार्ड आपके पास है आप भी ले लो, भले आप अमीर हो, आपने राशन कार्ड बनवाया आप भी ले लो, तो वो तो सारे ले ही रहे ना, जो अफोर्ड कर रहे हैं वो भी ले रहे हैं, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे वो तो ले ही रहे हैं। सही है कि नहीं? मोदी जी से कंपेयर मत करो आप किसी को, वो जहाँ पे है ना वहाँ तक पहुँचना बहुत दूर की बात है, ठीक है? और अभी 10-15 साल कोई वहाँ पे पहुँचने वाला नहीं है। आप बताइए, बहुत दूर की बात है। नहीं ऐसी बात नहीं, अभी थी आज भी है, और आगे भी अगर डेवलपमेंट होगा तो महंगाई रहेगी। आज देश कहाँ से कहाँ? डेवलपमेंट रेट तो कम है सर, 3.5% है मोदी जी के राज में, कांग्रेस में 12.5% चांदनी चौक ऐसे ही नजर आता था। आप बताओ, पहले जो भूखे थे ये तो पहले भूखे थे, पहले भी तो गवर्नमेंट में सर्विस मिलती थी, पहले भी तो औलाद पैदा करते थे, पहले भी नाज मिलते था ना, पहले भी बच्चे पढ़ाते थे, पहले भी मकान बनाते थे। आज कौन सी न्यारी बात है? नोटबंदी कर दी, ये कौन सा तुक की बात है? आप ये बताइए, आप ये कह रहे बोलो 80 करोड़ की, 80 करोड़ को नाज मिल रहे, क्या नाज से पेट भर जाएगा क्या? उसमें तेल नहीं चाहिए, नमक नहीं चाहिए, मिर्च नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? महंगाई है, महंगाई है। और ये आप मेरे को ये बताइए, जिसके बच्चे बीमार है, कोई उसका कोई तेल का रेट या चीनी का रेट तो है नहीं, उसमें तो कहते बोले भाई इसका 50 लाख लगेगा, 50,000 लगेगा या 2 लाख लगेगा, वो देना पड़ेगा, उसमें छूट नहीं हो सकती? छूट नहीं, नहीं कोई छूट नहीं है उसमें। हरियाणा के में कोई सरकार की तरफ से कुछ कोई छूट नहीं है? बोलो हमारे पास इसका कोई वो इसका कोई हमारे पास कोई लेटर कागज कुछ नहीं आया हमारे पास, उसका कुछ नहीं। आयुष्मान योजना तो चला रही है, अरे उसको कोई नहीं पूछता, कौन पूछता है बता मेरे को? कोई नहीं पूछता। आप बताइए सर, पूछना चाहिए ना, अगर 5 लाख रुपए का आपको हेल्थ स्कीम मिल रही है तो आप लो ना, पहले तो नहीं थी अब तो है ना, 5 लाख की देता ही नहीं है कोई, नहीं क्यों नहीं देता सर? कोई नहीं देता, मिस्टर केजरीवाल लागू नहीं कर रहे यहाँ पे, जैसे ममता बनर्जी लागू नहीं कर रहे ना, वैसे केजरीवाल भी लागू नहीं कर रहे। आप करो ना, हर बाकी स्टेटों में 5 लाख का आपको मुफ्त सेवा योजना हेल्थ स्कीम मिल रही है, आप क्यों नहीं ले रहे? इनका कहना अनाज तो दे रही है, तेल चावल अथी दाल कहाँ से लाए? आप कार्ड बनवाओ, आयुष्मान भारत योजना के तहत हमें कोई मतलब योजना, हमने गया मम्मी का इलाज करवाया सरकारी हॉस्पिटल में, आयुष्मान भारत योजना कार्ड भी बनवाए, मतलब 1 रुपए का इलाज नहीं हुआ उससे, कार्ड उड सब कुछ बन गई और हम इलाज नहीं होता बिल्कुल नहीं है, गलत है ऐसे नहीं हो सकता। आपको ये बता दूं, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हर चीज की सुविधा कर रहे हैं, बाकी हरियाणा के अंदर कोई सुविधा नहीं है, वहाँ चोर बाजारी चल रही है, अब भी वहाँ ठोड़ने की राजगिरी चल रही है, वहाँ जो भी कोई उसके ऑपोजिशन में चलता है
उसको अंदर करा देते या उसको बच्चे को मार की धमकी देते हैं, तो हरियाणा में कहाँ रह गया? बीजेपी का कोई तुक नहीं है कोई। क्या सर, क्या सही बोल रहे हैं? पता भाई सारी बात क्या है, यहाँ जितने खड़े बंदे, किसी बंदे को आयुष्मान का मतलब पता नहीं होगा, किसी बंदे को भारत का मतलब पता नहीं होगा, या जितने बंदे आयुष्मान का मतलब बताते सिर्फ एक बार, आयुष्मान का मतलब क्या होता है बताइए आप? बताओ भाई आयुष्मान जो कहते हैं लंबी उम्र, आप लंबी उम्र आयुष्मान इतना तो सबको पता है। लंबी उम्र, लंबी उम्र, लंबी उम्र, लंबी उम्र की डेफिनेशन आप मेरे को बताओगे, इनको बताओगे लंबी उम्र की डेफिनेशन क्या क्या होती है? हम लोग को सिर्फ समस्या यही है, हमें मुंह जड़ ही नहीं पता ना। ये बताओ मुंह जड़ क्या है इसमें, क्या उसका लाभ मिलता है लोगों को कि नहीं, ये बताओ। लाभ, लाभ लेने वाले लाभ लेते हैं, जो लाभ नहीं ले सकते वो दिल्ली में रह के या यूपी में रह के लाभ ले ही नहीं सकते ना। जिसको लाभ लेना वो दिल्ली में भी रहेगा, वो यूपी में रहेगा, जिसको लाभ लेना होगा तो वो हर जगह ले सकता है, जिसको लाभ लेना ही नहीं, जिसको मालूम ही नहीं लाभ लेना कैसे, वो ले ही नहीं सकता कभी भी। हर घर में गवर्नमेंट ये हर घर की समस्या है। पता है हम लोग बाद की साइड गवर्नमेंट का शिक्षा देने में फैल है इसका मतलब? नहीं नहीं, गवर्नमेंट शिक्षा देने में अव्वल है, लेकिन शिक्षा लेने वाले तो बंदे बने ना ऐसे, हम लोग शिक्षा लेने वाले ही नहीं बने ना। वही तो, ये बताओ गवर्नमेंट को कोसने से कुछ नहीं होता, अपने आप को उस लाइफ बनाओ ना, वहां तक पहुंचो। आप इंटरनेट से बात करो, आप उससे देखो कि हमारे लिए क्या क्या योजनाएं सरकार चला रही है। बोल रहे आप एजुकेट नहीं होना चाहते? मैं ये कहता हूँ जमींदार वो अपनी खेती बाड़ी को देखेगा या इनकी शिक्षा की, कोई खेती बाड़ी में कोई बंदा गया है या उसके लिए कोई टाइम रखा हुआ है कि भाई समझान जाए के लिए कोई गांव के अंदर या किसी शहर के अंदर किसान है? हाँ मैं किसान हूँ, या किसी के लिए भी कोई टाइम रखा हो बस समझाने के लिए कुछ भी करने के लिए, तो मेरे को बताओ कहीं भी रहे तो वो अपनी मजदूरी देखेगा या जमींदारा देखेगा या अपने गेहूं में पानी देने का देखेगा या सरकार के लिए गांव गेहूं कौन देता है? जमींदार देता है, वो इसके एक दिन नहीं गया ना। किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं मोदी जी बोल रहे हैं? कुछ कोई दुगनी नहीं, उसको लाइन में खड़ा होना पड़ता है, 3 दिन की छुट्टी करनी पड़ती है, 3 दिन की दिहाड़ी छोड़नी पड़ती है उसको, तो उसका कहाँ हो गया? नहीं हुई, नहीं कोई कुछ नहीं है, सब बकवास है, बकवास है, बिल्कुल बकवास है। मोदी जी से खुश नहीं है आप? मैं मोदी से खुश नहीं, मोदी को और भी तो चमचे बैठे हैं, वो उनको करने नहीं देते। मतलब मोदी जी अच्छे हैं? मोदी अच्छा है, बाकी उसके चमचे हैं ना वो उसको काम नहीं करने देते। कौन है चमचे? और चमचे तो उसके साथी हैं। कौन, नाम बताइए? नाम नहीं बताऊंगा मैं, नाम बताइए ना। या ये भी कोई बात हुई, इसे पता चले, इधर सुनो, घर में 5 आदमी है, तो 5 आदमी का कोई चक्कर नहीं होता है, उस मेन आदमी का लिया जाता है, मेन मोदी का नाम लिया, वो उसको पता है मेरा कौन है, तो उसको सारा पता है। हम तो उसको कहेंगे मोदी को, बाकी उसके जो चमचे है ना वो उसको काम नहीं होने, वो सोचेंगे मोदी मेरी पार्टी टूट जाएगी, मेरे वर्कर टूट जाए, मेरे वो टूट जाए। लेकिन बोल तो रहे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे दिन ला दिए, अच्छे दिन तो इतने, जहाँ झुग्गी वहीं मकान दे दिए। अरे मैं उनको ऐसे कल ही रोड शो में बोल रहे थे सर, कल ही रोड शो में, अभी कालकाजी में टूट गया, मेहरौली के लिए नोटिस लगा दिए, तो कलकाबाद में नोटिस लगा दिए, वहाँ क्या लगाया है, वो क्या लगाया है? नहीं नहीं गांधी जी झूठ बोलते हैं क्या भाई? कह के मुकरने वाला क्या कहेंगे, झूठ कहेंगे सच कहेंगे? एक आप ही बताइए, तुकलकाबाद की जो टूटने का नोटिस लग चुका है, मेहरौली में नोटिस लग चुका है, और क्या कहते हैं इन जगह लग चुका है, मतलब चुनाव से पहले तो वही झुग्गी वही मकान है, चुनाव खत्म तो कुछ नहीं। अरे कल रोड शो कर रहे थे कि जहाँ झुग्गी वही मकान मैंने कर दिखाया, कहने के लिए तो 2 करोड़ रोजगार भी दे रहे बन जाएगा, आंख से देखती रोड बन जाएगा या मकान बन जाएगा, कोठी बन जाएगी, ये बताओ मेरे को, बोलने से थोड़ी हो जाएगा, देखती मकान बन जाएंगे। कहने के लिए तो वो 2 करोड़ रोजगार भी दे रहे थे और 15 लाख खाते में दे रहे थे, कहाँ है किधर है? दे तो दिए, कहाँ दिए, किसे दिए? लोग मान रहे हमको दे दिए, नहीं किसे दिए, किसे दिए, किसे दिए? अभी तो, अरे तभी तो गुजरात में 156 सीट आ गई। सर एक मिनट सर, एक मिनट, ये बता पूरी दिल्ली बेच दी, पूरी रेल बेच दी, अरे ये हमारा पब्लिक कहाँ जाएंगे? जो 15 रुपए की टिकट थी 30 रुपए की टिकट हो रही है, जहाँ अरे तो विदेश में डंका भी बजेगा, महंगाई भी नहीं, अरे डंका किसने बजवाया? मोदी ने बजाया, तो पर मोदी क्यों ना भुगता है? उसने उसके आस औलाद नहीं है, हमारा आस औलाद हमें पता क्या है, हमारी आस औलाद हमने मेरा कैसे पाली, वो क्या पालना क्या जानता है, वो बच्चे को पालना क्या जानता है, वो मिसेज को क्या जानता है? अरे उन्होंने घर परिवार त्याग दिया देश चलाने के लिए। नहीं जिसने भीर फिर साथी क्यों कर रहा था? मेरे को ये बता, जो वो करता रहता था तो उसका घर बर्बाद क्यों कर,
वो किसी और के जाते। अरे देश के लिए उन्होंने अपनी बीवी कुर्बान कर दी। वो कुर्बान कर वो इस तरह साथ में लेकर जा रहे हैं, कहाँ कुर्बान होगी? उनकी जब माँ मरी थी, उनकी जब माँ एक्सपायर हुई थी, तो उनके जो वाइप हुए वहाँ पे बंद कर दिए गए थे। ये जानकारी है आपके पास? मीडिया तो सारी बिकी है ही है। कौन मीडिया? सारे मीडिया बिकी है। गलत इंजाम। राष्ट्रभक्त है मीडिया? कोई देशभक्त है? देशभक्त है। अरे दिखा तो भैया। मीडिया खबर नहीं दिखाती है, प्रचार दिखाती है। गवर्नमेंट की प्रचार दिखाती है, कोई खबर नहीं दिखाती है जनता की। मोदी जी देश के लिए काम तो कर रहे हैं, जनता की खबर अरे उसके लिए नहीं काम करे। उनकी माँ डेथ कर गई वहाँ छोड़ के, देश के लिए पाँच देश के लिए घूमने के लिए काम कर रहे हैं। पांच पांच व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं। कौन? अडानी अंबानी तो पूरा पब्लिक जान रही है। 18-18 घंटा काम करते हैं मोदी जी आपके। 18 घंटे काम करते हैं और कहते हैं हम फकीर हैं। 12 लाख का सूट अब बोले झूठ पर झूठ। ये सही बात है कि नहीं? आप बोलिए। क्या देश का राजा है? पहले तो अपने आप को फकीर फकीर क्यों कहते हैं? आ जाइए, वो भी भक्त हैं। भक्त आए, भक्त भाग जाएंगे, भक्त नहीं सुनेंगे। इनके भक्त हैं? आओ का मोदी भक्त है। सिर्फ मोदी चिल्लाने से सरकार विदेश में इंडिया का नाम हो रहा है, इससे आप खुश ही नहीं मिल रहा है? होना चाहिए। हम क्या नहीं था? भारत देश अपना जगत गुरु पहले से, मोदी के आने से नहीं है, विश्व गुरु बना दिए। मैं क्या कह रहा हूँ, जगत गुरु, जगत और विश्व एक ही बात होती है, वो मोदी के आने के बाद नहीं, मोदी से पहले है। भुखमरी भारत में ये भी पता है ना, कितने नंबर पर चले आ गए? तो 80 करोड़ को अनाज भी तो दे रहे हैं। अरे 80 करोड़ अनाज दे रहे हैं कैसे? फ्री में चले जाइए गांव में, वैक्सीन दिए। मैं गांव से बिलोंग करता हूं। आम जनता से 10 रुपए लिया जाता है ना, 1 रुपए भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगर अनाज दे दिया 5 किलो 10 किलो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं यह करूँ जो सिलेंडर के सब्जी के विकास में गया। अरे विकास में जब बोला सब्सिडी मिलेगी, कहाँ सब्सिडी गई? वो बता मेरे को, वो सब्सिडी कहाँ गई मेरे को ये बता। सेना मजबूत हो गया हमारा। देखो ताऊ जी कह रहे हैं कि सब्सिडी कहाँ गई है? हाँ। और जो गरीबों को सिलेंडर दिए थे, अब मोदी अपनी जेब से देंगे? वो देंगे जनता के पैसे से ही। सिलेंडर तो दिए ना फ्री में। जब 400 इधर सुनो, मोदी जी की बोल, कांग्रेस का टाइम इधर, कांग्रेस का टाइम में 400 अरे ठहरे कभी, 400 रुपए का सिलेंडर था जब काला झंडा दिखाया था। ठीक है, अब 1060 का सिलेंडर है। कौन जो दिखाया था, कौन काला झंडा? अरे काला झंडा बीजेपी वाले दिखाया था। जैसे आज रोड, ऐसे रोड थे उस टाइम में। रोड 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 देखिए उस टाइम में से। इतनी कहाँ के रहने वाले हो आप? कहाँ का? अब आप रहने वाले हो, आप कहाँ के हो? कौन से प्रदेश के रहने वाले हो बताओ ना? अरे कौन से प्रदेश में रहते हो? अरे आप ये बताओ ना, मैं इस प्रदेश का रहने वाला। आपको दुख नहीं है? आप अपने दुख के बताओ। बाबा आप लड़ नहीं रहे, मैंने तुम्हारा क्या? हाँ बोले। देखो ताऊ बात समझ से नहीं कर रहा ताऊ, तो